साल पचपन हो गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक और नई जर्नी आपके लिए लेके आए हैं, और मैं कमल शर्मा अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विद एच के पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जाने वाले हैं रायपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन तक, और आज हमारी ट्रेन होगी दुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि रायपुर से 11:45 पर आती है और यहाँ से 11:50 पर निकल जाती है, और हम कल सुबह हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचेंगे। हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस हफ्ते में दो दिन चलती है, ट्यूसडे और फ्राइडे को, दुर्ग से निज़ामुद्दीन के बीच में। तो आज का जो सफ़र है वो हमारा रायपुर से, और हमारी ट्रेन अभी रायपुर से निकल चुकी है, और हम नेक्स्ट स्टेशन भाटापारा आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन भाटापारा। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में कोयले की खदानें हैं, वहाँ उत्पादन होता है। मैं दिखाऊँ आपको हमारी लाइन के इर्द गिर्द जो है कोयले की जो खदानें पड़ेंगी, थोड़ी देर में आएंगी वो, तो मैं आपको उनको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो कोयले का बहुत काम है, देखिए ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्राइट ट्रेन मिलेंगी पुश पुल के साथ, जो कोयले का ढोने का काम करती हैं। मैक्सिमम कोयला जो है यहीं से जो है जाता है पूरे देश में। और अब हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट भाटापारा आ चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जिसका कोड है BYT। और अब हमारी ट्रेन ने 64 किलोमीटर का जो अपना सफ़र है वो तय कर लिया है, और भाटापारा जो है अपनी चावल की और पोहे की मंडी के लिए बहुत मशहूर है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो उसलापुर है। तो मिलते हैं उसलापुर स्टेशन पर, और हमारे सामने से जो है ये ट्रेन अभी जनशताब्दी भाटापारा आई है। Thank you.
हमारी ट्रेन का जो कॉरिडोर है वो साफ़ सुथरा है, सभी चीज़ें दे रखी हैं और कैमरे, वॉशरूम की कंडीशंस अच्छी हैं और मेंटेन कर रखी हैं अच्छे से और काफ़ी साफ़ सुथरा है। और सामने ग्लास जो है उस पर कोई स्पॉट भी नहीं है पानी के और सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आज की हमारी ट्रेन जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, हम सफ़र एक्सप्रेस। और अब हम अपने नेक्स्ट हॉल्ट उसलापुर पहुंच गए हैं और उसलापुर जो है हमारी गाड़ी ने जो है 113 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और अब हमारी जो ट्रेन है यहाँ 10 मिनट रुकेगी। 1:50 का टाइम था और 2 बजे यहाँ से निकल जाती है और अब हमारी ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है। और उसलापुर जो है एक ख़ास तरीके के चावल और हाथ से बनी हुई साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। तो अब आपसे हम अगले स्टेशन मिलेंगे। और हमारे सामने खड़ी है 12535 लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस और इससे हमारी ट्रेन ने जो है इसको स्किप करा है और ये रायपुर से हमारी ट्रेन के पीछे पीछे ये चली थी। तो अब हमारी ट्रेन जो है इस गरीब रथ को स्किप कर रही है और अब हम इसका मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। इसमें जो है अब लगी थी भूख तो चलते हैं खाना खाते हैं। आज जो है मैं घर से ही पैक करा के लाया हूँ खाना और मैं ज़्यादातर घर का खाना ही खाता हूँ और मेरे खाने में आप देख लीजिए। और अब मैं खाना खा के आपसे थोड़ी देर बाद फिर से मिलता हूँ। तो अब मैं पेंट्री में आया हूँ इस ट्रेन की, पर यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। पता नहीं ऐसा क्या गलत काम करते हैं जो यहाँ वीडियो नहीं बनाने देते। अब ये जो गरीब रथ जो हमने पीछे स्किप की थी फिर से हमारे बगल में आके खड़ी हो गई है हमारी ट्रेन के और अब देखते हैं हम इसको स्किप करते हैं या फिर ये हमें स्किप करती है। नहीं देखिए, हमने इसको फिर से स्किप किया है तो ये सेकंड स्किप जो है इस गरीब रथ का है जिसका नंबर है 12535 लखनऊ रायपुर गरीब रथ। हमारी हमसफ़र इस समय अपने टाइम से 2 घंटे लेट चल रही है और अभी तो इसकी जर्नी की स्टार्टिंग ही है और अब देखते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन कब तक पहुंच पाती है, क्या कवर करेगी या नहीं। और हमारी ट्रेन को किसी भी स्टेशन पर 1 घंटे के लिए रोक देते हैं जहां इसका ऑफिशियली हॉल्ट है ही नहीं, तो देखते हैं कब तक पहुंचती है। अब जो है हमें हमारे जो ब्लैंकेट्स और चादर हैं वो दे दी गई हैं और जिस डिवीज़न के जगह के होते हैं वो डिवीज़न लिखी होती है ब्लैंकेट और इनके जो पैकेट होता है। तो अब हम अपना जो है बिस्तर लगा लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन तो ऑलरेडी लेट चल रही है। तो और ये दूसरी दिक्कत ये थर्ड एसी में जो है ये ऊपर सिर लगता है, आप मतलब बैठ नहीं सकते हो, बड़ी दिक्कत रहती है इसमें, तो एरिया कम होता है और आप लेट ही सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर आराम करने के बाद। तो चलिए, और अब हमारी ट्रेन जो है शाहडोल पहुंची है जहां पर इसको पहुंचना था 4:56 पे, लेकिन ये 8 बजे पहुंची है और 298 किलोमीटर का जो सफ़र है वो अब तक पूरा हुआ है और इतनी लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। और जो शाहडोल है वो शाहडोल जो है धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत की एक जगह है जहाँ पर जो है ना विराटेश्वर मंदिर है घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं। शाहडोल पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ का कोड SDL है और बिलासपुर कटनी सेक्शन लाइन पे ही पड़ता है ये। तो अब हमारी ट्रेन जो है थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर लेगी और डिवीजन इसकी बिलासपुर है। तो अगला स्टेशन जो है वो उमरिया है, तो मिलते हैं आपसे उमरिया। अभी लोडा गया था, वो इसी की मैं कह रहा था यहाँ स्टेशन। और लेट लपेट हमारी ट्रेन 365 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब अगले स्टेशन उमरिया पहुँच चुकी है। उमरिया में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सोन नदी, जो यहाँ से सोन नदी बहती है और यहाँ पर एक प्राचीन शिव का मंदिर है जो बहुत फेमस है और आपको अगर बाघ देखना तो आप यहाँ देख सकते हैं। नहीं 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 भोपाल कितनी भीड़ भर के जाएगी? सर यहाँ खाली हो जाएगी ना बिना सागर में। अच्छा, बिना सागर खाली हो जाएगी, आप भी जा रहे हो?
बहुत भीड़ है ना, जाएंगे नहीं जाओगे? सुबह जाएंगे। चलो ठीक है ना, चलो ठीक। अब हमारा नेक्स्ट होल्ट कटनी मुरवारा आ चुके हैं हम, और हमारी ट्रेन लेट है और यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्चर ले लिया है। और हमारी ट्रेन के सामने खड़ी है विंध्याचल एक्सप्रेस जो इटारसी से भोपाल के बीच में चलती है, और जो कटनी है यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो डीजल शेड का जो शेड है यहाँ पे सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है ये कंट्री में। तो और ये डिवीज़न जबलपुर में ही आता है स्टेट। अब हम जो स्टेट में चल रहे हैं मध्य प्रदेश है। तो जो कटनी है यहाँ पर एक रिवर है जिसके चारों तरफ ये बसा हुआ है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन पे, और जो है अब तो हमारा जो स्टेशन है उन्हें स्किप करेंगे, काफ़ी रात हो गई है, हमारी ट्रेन लेट है काफ़ी। तो अब हम सुबह ही मिलेंगे आपको, देखते हैं कहाँ खुलती है आँख, और फिर मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अगला नेक्स्ट हॉल जो है हमारा झांसी है। तो अभी जो है हम झांसी पहुंचने वाले हैं, और हमारे सामने से जो है ट्रेन निकल रही है LHB कोचेस के साथ। तो मिलते हैं आपसे झांसी पे। ये 10 मिनट रुकेगी? तो अब हम अपने नेक्स्ट हॉल्ट ग्वालियर पहुंच चुके हैं, और ग्वालियर हमारी ट्रेन को 2:34 पर पहुंचना था, और हमारी ट्रेन पहुंची है यहाँ पर 7:00। तो देखिए कितना लेट चल रही है हमारी, हम सफ़र 967 किलोमीटर जो इसने भी कवर किया।
तो लेट लतीफ़ हमारी ट्रेन अब आगरा पहुंची है फाइनली, और हमारे सामने से पंजाब मेल जो है वो निकल रही है, और हमारी ट्रेन आगरा अपने निर्धारित टाइम से लेट ही चल रही है और काफ़ी कोशिश कर रही है कवर करने की। देखते हैं हजरत निजामुद्दीन पे कब तक पहुंचती है। तो हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट हॉल्ट मथुरा जंक्शन, तो आप इसका स्किप देखिए। अब हमारी ट्रेन ने जो है मथुरा से डिपार्चर करना शुरू कर दिया है, और ये इसका सेकंड लास्ट हॉल्ट है। अब नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो हजरत निजामुद्दीन ही आएगा। तो ट्रेन तो लेट हो गई है क्योंकि 4-5 घंटे जो है वो कवर नहीं किए जा सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम आपसे हजरत निजामुद्दीन पे, और अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है मथुरा जंक्शन से। ट्रेन का शेड्यूल, कोच कंपोजिशन और फेयर जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना, आपको वहाँ से देखने में सहूलियत होगी। और जो किराया होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक्यूरेट किराया जो है वो आपको टिकट काउंटर से ही पता लगेगा। और हम सफ़र जो क्लास है वो भारत की टॉप क्लास जो ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, उनमें से एक आती है। अब जो है ये क्लास भी जो है 5-5 घंटे लेट होती है, तो मतलब कि ये पंचुअलिटी अच्छी नहीं है। तो इतना लेट हो रही है इतने पैसे देने के बाद भी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। आज तो बुरे ही फंस गए, सब लोग दुखी हो रहे हैं मेरे आसपास वाले भी कि कब हजरत निजामुद्दीन आएगा, परेशान करके डाल दिया। आज हमारे साथ हमारे भाई रुपेंद्र जर्नी कर रहे हैं और हमारे खास अच्छे फ्रेंड बन गए। तो हेलो रुपेंद्र, आई एम फाइन। और ये भाई का चैनल देखिए आप लोग, अपना भारत दर्शन चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
आज हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट आई है। सुबह 6:55 का पहुंचने का टाइम था निजामुद्दीन और ये 11:15 पर पहुंची है। और इसने 1236 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये 23 घंटे में पूरा किया है, 23-23.5 घंटे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना कंटेंट को ताकि मैं आपके लिए अपना नेक्स्ट कंटेंट ला सकूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी सभी को। कमल शर्मा की तरफ से नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, गुड बाय।